फाइनली टेक्नो ने भी अपना एक नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है। वैसे तो मैंने इसका एक पहले से वीडियो बनाया था जब लीक हुआ था इसका कुछ फीचर्स, टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। और यहाँ पर ये सीरीज वाइज लॉन्च करेगा, तीन सीरीज को यहाँ पर लॉन्च कर रहा है, टेक्नो स्पार्क 20, 20 प्रो, 20 प्रो प्लस, ये तीनों सीरीज है। यहाँ पर जो प्रो प्लस वाला सीरीज दिया गया ना, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, देखने में काफी प्रीमियम है। डिस्प्ले कर्व में मिलेगा, साथ में बैक पैनल में जो लेदर फिनिशिंग है, साथ में पैनल दिया गया है ना वो भी कर्व है, यानी कि जो स्मार्टफोन है ना काफी पतला आपको नजर आएगा। कैमरा सेटअप जो है ना राउंडिंग कैमरा सेटअप मिल रहा है, देखा जाए तो काफी प्रीमियम फोन देखने में लग रहा है। पर इसमें कुछ ऐसी कमियां हमें देखने को मिला है ना जो भाई इस फोन के पीछे हमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, बस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो हम सबसे पहले इसके कुछ गुड फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो सबसे तगड़े फीचर दिए गए, जैसे कि इसमें जो कर्व एमोलेड डिस्प्ले दिया गया 6.78 इंच का डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, और साथ में 5000 एमएएच बैटरी और 33 वाट का एक सुपर बूस्ट चार्जर दिया गया। यानी कि ये जो फीचर्स है ना ये स्मार्टफोन में होना चाहिए था, जो काफी अच्छा है। और यहाँ पर हमें जो सबसे लो क्वालिटी वाला फीचर इसमें देखने को मिला है ना वो प्रोसेसर मिला, यानी कि मीडिया टेक हेलियो G99 का प्रोसेसर दिया गया। यहाँ पर हमें मीडिया टेक डायमेंसिटी 70 या 50 या फिर 6050 का प्रोसेसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी कमी हमें प्रोसेसर में देखने को मिला, और उसके बाद में ये जो फोन है ना ये 4G फोन है। सबसे बड़ी कमी हमें ये भी देखने को मिला जो इसका 4G और 5G वेरिएंट है, यहाँ पर हमें 5G वेरिएंट होना चाहिए था, पर भाई 4G वेरिएंट है। तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाला फोन मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप परचेस करना चाहते हो जैसे कि लुक के हिसाब से एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले वाला फोन चाहिए ना, तो आप इसे बाय कर सकते हो, उतना भी बेकार फोन नहीं है, क्योंकि जो फीचर्स डाल के रखा है ना कुछ तो कमी रहेगा ही, क्योंकि अगर कर्व डिस्प्ले दे रहा है, 108 मेगापिक्सल का कैमरा दे रहा है भाई, और साथ में 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दे रहा है, तो इस हिसाब से देखा जाए ना तो ये काफी तगड़ा फोन है। पर आपको पता है अगर सब कुछ सही देगा तो उसका बजट आपको 30 से 40 हजार लगाना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से 15 और 20 हजार के बीच में ये फोन होने वाला है। तो इस बजट में ये वाला फीचर टेक्नो के हिसाब से ठीक दिया गया, पर मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर 15 से 20 हजार के बीच में फोन आ रहा है तो प्रोसेसर थोड़ा अच्छा लगा कर देना चाहिए था, और साथ में और यहाँ पर जो कनेक्टिविटी दी गई ना 5G की होनी चाहिए। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं ना, तो अगर आप स्मार्टफोन बाय करने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए 4G फोन बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। आप अगर फोन परचेस कर रहे हैं तो आपको 5G फोन जरूर परचेस करना है, क्योंकि आज के समय में ना कोई भी 4G फोन नहीं परचेस कर रहा है, जितने भी फोन आ भी रहे ना वो सारे के सारे फोन 5G आ रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये भी सबसे ज्यादा कमी देखने को मिला है, क्योंकि आजकल जितने भी महंगे फोन आए हुए हैं वो सभी फ्लैट डिस्प्ले में फोन निकाल रहे हैं, पर ये जो फोन है ना कर्व में निकाल रहा है। तो कर्व वाला वैसे देखने में प्रीमियम लगता है, मुझे भी काफी ज्यादा पसंद आता है कर्व डिस्प्ले वाला फोन। और कितने लोग इस स्मार्टफोन का वेट कर रहे हैं एक बार कमेंट में बता के जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन।